आईपीएल के नक्शे कदम पर वर्ल्ड क्रिकेट का तेजी से विस्तार हो रहा है, क्योंकि इसमें फ्रेंचाइजी मालिक दक्षिण अफ्रीका की नई टी20 लीग में सभी 6 टीमों को खरीदने के लिए तैयार है, जिसका उद्घाटन संस्करण जनवरी 2023 के लिए निर्धारित है। ESPN की एक रिपोर्ट के अनुसार मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स, लखनऊ सुपर जॉइंट्स, सनराइजर्स हैदराबाद, राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के मालिकों ने इस लीग में 6 फ्रेंचाइजी खरीदी हैं। तो चलिए जानते हैं किसे मिली कौन सी टीम। CSK, जोहान्सबर्ग, मुंबई इंडियंस, केप टाउन, सनराइजर्स हैदराबाद, एलिजाबेथ फ्रेंचाइजी, लखनऊ के संजीव गोयनका ने डरबन की टीम को चुना है। राजस्थान रॉयल्स ने पाल्स टीम और दिल्ली कैपिटल्स की टीम प्रिटोरिया रहेगी। क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका से नए मालिकों की औपचारिक घोषणा करने की उम्मीद है और कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद वो शहरों का प्रतिनिधित्व करेंगे। बोर्ड ने दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान ग्रेन स्मिथ को टी20 लीग के लिए समग्र प्रमुख के रूप में घोषित किया है। स्मिथ के शुरुआती लक्ष्यों में से एक ये सुनिश्चित करना है कि फ्रेंचाइजी मालिकों के साथ सौदे निर्विवाद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया अहेड।